हेलो एवरी वन वेलकम टू स्टडी स्कोर्ड आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास एट हिस्ट्री की बुक का चैप्टर टेन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के सोल्यूशन या क्वेश्चन आंसर्स है ना तो पहला क्वेश्चन है नेम थ्री प्रॉब्लम्स दैट द न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ इंडिया फेस्ड तो तीन प्रॉब्लम्स में बतानी है जो हमारा देश जब आज़ाद हुआ था जो हमारे देश के सामने दिक्कतें आई थी ना उनके बारे में हमें बताना है तो देखिए आंसर क्या है आफ्टर द पार्टीशन एट मिलियन एट मिलियन का मतलब है अस्सी लाख जो है रिफ्यूजी रिफ्यूजी कौन होते हैं ऐसे लोग जो अपने देश मतलब उनका कोई देश ही नहीं बचा है वो अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में चले गए हैं उनको कहते हैं रिफ्यूजी तो हमारे देश में पाकिस्तान से बहुत सारे लोग आए थे हैड कम इन टू द कंट्री फ्रॉम पाकिस्तान होम्स एंड जॉब्स हैड टू बी फाइंड फॉर दीज पीपल अब इतने अस्सी लाख लोग आए हैं हमारे देश में पाकिस्तान से है ना तो अब उनके लिए उनको अपना घर बार सब छोड़ के आए हैं तो यहाँ पर उनके लिए जॉब्स उनका घर उनके लिए घर ढूंढना था देर वर ऑलमोस्ट फाइव हंड्रेड प्रिंसली स्टेट प्रिंसली स्टेट का मतलब है रजवाड़ो रजवाड़े थे रजवाड़े मतलब राज्य थे जैसे कि राजा महाराजा के एरिया थे 500 सौ मतलब एक ही देश में 500 सौ राजा महाराजा थे हमारे देश में उस समय पे आज़ादी के टाइम पर उन सबको मिलाना था विच वे रूल बाय और द नवाब्स हु हैड टू बी बीजुवेटेड टू जॉइन द न्यू नेशन उनको परजुवेट करना था उनको बनाना था कि वो इंडिया ज्वाइन करें द न्यू नेशन to टू अडॉप्ट political सिस्टम दैट वुड बेस्ट सर्व द होप्स एंड aspirations ऑफ द पीपल ऑफ़ द कंट्री तो नया नेशन जो हमारा देश बन रहा था उसकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है हमारे देश की डेमोक्रेसी जो है वो इस तरीके से चलनी चाहिए कि देश के सभी लोगों को ये पसंद आए तो ये सारे चैलेंजेस थे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज़ द रोल ऑफ प्लानिंग कमीशन तो प्लानिंग कमीशन का क्या रोल था तो इसका आंसर है प्लानिंग कमीशन हेल्प इन डिजाइनिंग एंड एग्जीक्यूटिंग सूटेबल पॉलिसीज फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया तो प्लानिंग कमीशन ने क्या करी थी मदद करी थी डिजाइन करने में और बनाने में कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से हमारा देश और अमीर बनेगा पैसे से रिलेटेड डेवलपमेंट जो है करा जाएगा देश में वो कैसे होगा ये काम दिया गया था प्लानिंग कमीशन को फिलप्स हैं सब्जेक्ट दैट वर प्लेस्ड ऑन द यूनियन लिस्ट वर टैक्सेस डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स तो यूनियन लिस्ट देखिए तीन लिस्ट बनाई गई थी यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट तो हमसे बोला गया है कि यूनियन लिस्ट में सिर्फ इन तीन के अलावा भी बहुत सारे हैं बट कोई से भी आपको बताने हैं तीन तो टैक्स डिफेंस फॉरेन अफेयर्स कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन ये सारे के सारे जो है थी याद कर लीजिए टैक्सेस डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स जो है यूनियन लिस्ट में रखे गए थे कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या रखा गया था फॉरेस्ट हो गया एग्रीकल्चर हो गया है ना और भी काफी सारी चीजें तो फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर याद रख लो इकोनॉमिक प्लानिंग बाय विच बोथ द स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर प्लेड अ रोल इन द दे डेवलपमेंट वॉज कॉल्ड अ मिक्सड इकोनॉमिक मॉडल मिक्सड इकोनॉमिक मॉडल क्या होता है जिसमें सरकार गवर्नमेंट भी काम करती है इंडस्ट्रीज़ वगैरह है ना जॉब प्रोवाइड करने का और प्राइवेट सेक्टर भी जॉब प्रोवाइड करने का काम करता है तो ये जो मॉडल होता है ये होता है मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल ये हमारे देश में फॉलो किया गया डेथ ऑफ पोटी श्री रामुलू स्पार्क ऑफ सच वॉयेंट प्रोटेस्ट दैट द गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू गिफ्ट इन टू द डिमांड फॉर द लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश तो आंध्र प्रदेश की डिमांड माननी पड़ी थी क्योंकि पोटी रामा पोटी श्री रामुलू लू क्या चाहते थे कि आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाया जाए उसकी लैंग्वेज के आधार पर सरकार नहीं मानी वो आमरण रंजन पर थे तो उनकी डेथ हो गई थी इससे फिर दंगे भड़क गए थे ट्रू फॉल्स बताना है ओके ये तो गड़बड़ हो गया एट इंडिपेंडेंस द मेजोरिटी ऑफ इंडियंस लिव्ड इन विलेजेस तो ये ना देखो बच्चों ये ट्रू है ठीक है मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस जो है इंडिपेंडेंस के टाइम पर वो गांव में रह रहे थे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज मेड मेंबर ऑफ कांग्रेस पार्टी तो ये फॉल्स है क्योंकि बहुत सारी पार्टीज अलग अलग पार्टीज जो थी तो ए वाला ट्रू है बी वाला फॉल्स है सॉरी ठीक है ए वाला ट्रू है बी वाला फॉल्स है फिर उसके बाद इट वॉज द फर्स्ट इलेक्शन ओनली मैन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट तो फॉल्स हमारे देश में स्टार्टिंग से ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है हर किसी के पास वोट देने का अधिकार है जिसकी उम्र 18 से ज्यादा है आज़ादी के टाइम पर इक्कीस से ज्यादा थी फिर 1989 में 18 कर दी थी तो ये फॉल्स है सिर्फ मैन नहीं किसी जो भी इस देश का नागरिक है व्यसक नागरिक एडल्ट को वोट देने का अधिकार था ये ट्रू ना देखिए पता नहीं हो गई है ये फॉल्स है दस सेकेंड फाइव ईयर प्लान फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री तो सेकंड फाइव ईयर प्लान ने क्या इंडस्ट्री पे डेवलपमेंट पे फोकस किया था तो ये ट्रू है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिड डॉक्टर अम्बेडकर मीन वेन ही सेट दैट पॉलिटिक्स डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इन इक्वालिटी तो डॉक्टर अम्बेडकर जो कि एक दलित थे या या फिर आप शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते थे उन्होंने कहा था कि हमारे देश ने हर किसी नागरिक को बराबर अधिकार दे दिया है पोलिटिकली है ना क्योंकि हम एक लोकतंत्र हैं बट हमारी जो सामाजिक जिंदगी है हमारे जो पैसे से रिलेटेड लाइफ है क्या उसमें सबको समान अधिकार मिल पाएंगे तो देखिए बिल्कुल नहीं है आज भी ये नहीं हो पाया है सब नहीं है सरकार के सामने सर सब इक्वल है बट सबके पास एक जैसा पैसा नहीं है और जातिवाद धर्मवाद ये सब बहुत ज्यादा है हमारे देश में तो डॉक्टर अम्बेडकर पॉइंटेड आउट दैट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हैड टू बी अंपनीड बाय इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी तो, तो डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी आनी चाहिए गिविंग राइट टू वोट वुड नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू द रिमूवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रिच एंड पुअर और अपर कास्ट और लोअर कास्ट तो सिर्फ वो राइट टू वोट वोट देने का अधिकार देने से ही सिर्फ अमीर गरीब में या फिर ऊंच जात और नीच जात में अंतर खत्म नहीं होने वाला है दीज क्लासेज ऑफ पीपल

नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर इंडिपेंडेंस वाई वॉज देयर आर रिलक्टेंस टू डिवाइड द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स तो देखिए लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भा। जब हमारा देश आज़ाद हो गया था उसके बाद भाषा के आधार पर हमारे देश को अलग अलग राज्य बनाने से क्यों कतराते थे, थे हमारे लीडर्स क्योंकि देखिए क्या था ना पहले ही धर्म के आधार पर देश का तो बंटवारा हो ही गया था अब भाषा के आधार पर ही कहीं, भी कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए इसलिए हमारे लीडर्स डरते थे तो नाइनटीन बैक इन नाइनटीन ट्वेंटी द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेन पार्टी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल हैड प्रोमिस वंस द कंट्री वॉन इंडिपेंडेंस ईच मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप वुड हैव इट्स ओन प्रोविंस। तो 1920 में आजादी से पहले तो कांग्रेस ने सोचा था कि हम लोग बनाएंगे भाषा के आधार पर हाउ जब इंडिपेंडेंस के बाद इट डिड नॉट टेक एनी स्टेप टू ऑनर दिस प्रॉमिस अपना प्रॉमिस उन्होंने नहीं रखा कांग्रेस ने एक्चुअली इंडिया हैट ऑलरेडी बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन धर्म के आधार पर तो बटी गए थे हम लोग ये आंसर आपको बड़ा इसलिए लग रहा है बच्चों क्योंकि फॉन्ट बड़ा है फॉन्ट छोटा होता तो आंसर भी छोटा लगता है ठीक है तो डरना मत आंसर छोटा है बड़ा नहीं है एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया मोर देन वन मिलियन पीपल हैड बीन किल्ड तो देखो दंगों में लगभग क... दस लाख लोग से भी ज़्यादा की जान चली गई थी हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे इससे क्या होता कि और भी ज़्यादा डिवीज़न हमारे देश के नेताओं को लग रहा था कि फिजिबल नहीं है कांग्रेस लीडर ने बिलीव किया कि भाई यूनिटी और प्रोग्रेस ना डिस्टर्ब तो हमारा देश एकजुट बना रहे इसलिए भाषा के आधार पर हम नहीं विभाजित कर रहे नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव वन रीजन वाई इंग्लिश कंटिन्यू टू बी यूज इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल क्यों होता रहा इंडिपेंडेंस के बाद भी तो मैनी मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिलीव दैट इंग्लिश लैंग्वेज शुड लीव इंडिया विद ब्रिटिश रूल तो काफी सारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे उनको लगता था कि अंग्रेजों के साथ साथ ही इंग्लिश भी देश को छोड़कर चली जाए तो बढ़िया रहेगा अकॉर्डिंग टू दैम हिंदी शुड टेक प्लेस ऑफ इंग्लिश हाउ एवर स्पीक हिंदी वर ऑफ डिफरेंट ओपिनियन तो जो हिंदी बोलते थे हिंदी भाषी नेता थे वो कहते थे कि इंग्लिश की जगह हिंदी को लेनी चाहिए बट हमारा देश तो बहुत बड़ा है अलग अलग भाषाएं बोलते हैं स्पेशली साउथ में तो उन्होंने कहा कि भाई हिंदी के साथ तो काम नहीं चलेगा स्पीकिंग इन दसेंबली टी टी कृष्णमाचारी कन्वेड अ वार्निंग ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ साउथ सम ऑफ हुम थ्रेटन टू सेपरेट फ्रॉम इंडिया इफ हिंदी वॉज इम्पोज ऑन दैन तो उन्होंने कहा टी टी कृष्णमाचारी ने कि अगर आप हिंदी हम पे थोपेंगे तो हम लोग देश को छोड़ देंगे है ना फाइनली डिस्प्यूट जो है दिक्कत जो है वो सेटल कर दी गई बाई मेकिंग अ कॉम्प्रोमाइज दैट वाइल हिंदी वुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इंग्लिश वुड बी यूज इन कोर्ट सर्विस एंड कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड अदर तो उन्होंने कहा कि ठीक है डिस्प्यूट सेटल हो गई दिक्कत खत्म हो गई हिंदी जो है वो देश की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी हमारे देश की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है क्या हिंदी है एक और एक इंग्लिश है सॉरी oh, तो एक हिंदी और इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है और बाकी का कि इंग्लिश जो है वो कोर्ट में और एक राज्य दूसरे राज्य से जब बातचीत करेगा तो उसमें इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया विजुअलाइज इन द अर्ली डेट आफ्टर इंडिपेंडेंस तो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का डेवलपमेंट किस तरीके से देखा गया था तो इसका आंसर है इन 1950 फिफ्टी द गवर्मेंट सेटअप प्लानिंग कमीशन 1950 में गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन सेटअप करी थी टू हेल्प डिजाइन एंड एग्जीक्यूट सूटेबल पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो 1950 में इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन बनाई गई थी ताकि जो डेवलपमेंट की पॉलिसीज वगैरह हैं वो सही तरीके से चल पाएं तो उसके, उसने क्या क्या स्टेप्स लिए थे प्लानिंग कमीशन uh, ने कहा था कि भाई मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल होगा हमने अभी फिल इन द ब्लैंक्स में देखा था ना इस मॉडल के अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल बोथ स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर वुड प्ले इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड जनरेटिंग जॉब्स तो प्रोडक्शन बढ़ाने में और जॉब्स को जनरेट करने में जो है वो सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों साथ में काम करेंगी फोकस ऑन हेवी इंडस्ट्रीज हैवी इंडस्ट्री जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगाई जाएगी डैम्स बनाए जाएंगे इन नाइनटीन फिफ्टी सिक्स सेकंड फाइव ईयर प्लान वॉज फार्मुलेटेड विच फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट of 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 heavy industries, such as steel and on building of large dams these sectors would be under the control states करी गई और ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो स्टेट के कंट्रोल में राज्य मतलब देश के सेंटर के कंट्रोल में होंगी सरकार के कंट्रोल में तो ये जो है हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स देख लिए सारे के सारे तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा अच्छा लगा तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए थैंक यू